देखिए डोर आसम कितने घने जंगल के बीच में बना हुआ है और कितना सुंदर बना हुआ है ये डोल आसम। दादी जी को भूख लगी बोला किसका इसमें बता दिया हमें है ना आगे से है ना मेरा स्पेस देखने वाला वो स्टेशन ही अलग है। अच्छा वो अलग है हाँ। अच्छा अच्छा तो बिल्कुल ये भी नहीं अलग डोला सर देखिए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ टोल आसन देखिए दोस्तों फोटो था देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग के बीच में कुछ यहाँ पर है तो इसको डोल आसन बोलते हैं। यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं स्टे करने के लिए भी आप ऑनलाइन बुकिंग होता है और आपको यहाँ पर कोई चार्जेज नहीं देने होते हैं कोई भी चार्जेज नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाने पीने के चार्जेज हैं खाने पीने के भी बहुत ही रिजनेबल है बहुत रिजनेबल चार्जेज हैं और आपको यहाँ स्टे करने के कोई चार्जेज नहीं है यू कैन स्टे है फ्री बट उसका जो भी आपको डोनेट करना है डोनेट कर सकते हैं नहीं भी करते हैं यू दैट इज डिपेंड अपॉन यू। ये यहाँ पर है अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और इसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है। मैं तो सोचता हूँ कि ज़िंदगी में एक दफ़ा आदमी को यहाँ आना चाहिए ये इतना अच्छा जगह पर है। देखिए दोस्तों ये कोई पहाड़ी के बीच में बसा हुआ ज्योति पब्लिक स्कूल की बसें जा रही हैं ये बसें जा रही हैं अभी हम वापस जा रहे हैं। वापस जाने के बाद में यहाँ पर जो है आपको एक व्यू पॉइंट है जिसे हम इसको फ़ोटो खींच सकते हैं तो हम वो करके आ रहे हैं। देखिए व्हाट ए नाइस व्यू। एक्चुअली दोस्तों इसका डोल आसम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर ये डोल गांव है डोल गांव वालों ने इसको इस आसम को ज़मीन दी है इस आसम के लिए ज़मीन दी है इसलिए इसका नाम डोल गांव पड़ा है। यहाँ पर आप आइए बहुत आनंद आएगा बच्चों के साथ आइए फैमिली के साथ आइए आप देखिए आप यहाँ स्टे कीजिए ये बहुत एकदम आपको एक स्वर्ग का जैसा लगता है। यहाँ पर आप यहाँ पर पूरी फैसिलिटी आपको दी जाएगी उसमें कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दफ़ा आप यहां ज़रूर आइए ज़िंदगी में एक दफ़े डोल आसम के आपको दर्शन ज़रूर कीजिए। धन्यवाद ओके। यहां शिव जी की बहुत बड़ी एक मूर्ति है शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है इसमें लक्ष्मी का एक अष्ट धातु का मूर्ति बना हुआ है जो वर्ल्ड में बोलते हैं वर्ल्ड लेवल में है उसका दर्शन करने मात्र ही लोगों के बोलते हैं उसको यहाँ का पंडित से पता चला उसका दर्शन मात्र से ही लोगों के मतलब भाग्य खुल जाते हैं। तो हमने भी आज उसको बड़ी मुश्किल से उसका दर्शन किया वो दर्शन बड़े लोगों को कम होते हैं मुझे उसके दर्शन हुए हैं बट बहुत से लोग बोले हमको नहीं हुआ ये हुआ वैसा बोलते हैं लेकिन मुझे दर्शन हुए हैं। जय माँ लक्ष्मी जो भी तेवे इस गोल डोल आश्रम को देख रहा है उनकी तो इच्छा पूरी करना उनके भंडारे भरना। जय बाबा डोल जय हो डोलू बाबा।